अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, ज्वेलरी पर भी बहुत खूबसूरत से आर्टिकल्स, मज़ीद न्यू कलेक्शंस आ रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके जितने भी ड्रेसेस आते हैं सब एक साथ ही ये लोग इंट्रोड्यूस करवा दें। डेली बेसिस पे 2 से 3 दिनों में इनके आर्टिकल्स, 4 से 5 आर्टिकल्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से आर्टिकल से। 2 पीस कलेक्शन है और ये नेक लाइन पर देख लीजिए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह मिल रही है। प्लेन लॉन आर्टिकल पर आपको ये मिल रहा है और 2 पीस कलेक्शन है। इसकी लेस की डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे चौक्स और दामन वगैरह पे मिल रही हैं, ठीक है जी। और ये 2 पीस कलेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे चल, मैं ज़रा सही से मैं दुपट्टे का बॉर्डर वगैरह शो करवा देती हूँ। इसकी नेक लाइन बहुत मुझे प्यारी लगी, खूबसूरत लग रही थी जी नेक लाइन। बड़ा ही खूबसूरत सा ब्राइट सा कलर, शार्प सा कलर आपको ये मिलेगा। 3,300 की रेंज में आपको इसके 2 पीस कलेक्शन मिल रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो आर्टिकल है ये प्लेन लॉन ही आर्टिकल है और ये 3 पीस कलेक्शन है। बॉटम्स मिल रहे हैं आपको इसके साथ और इसका दुपट्टा भी मैं ज़रा सही से शो करवा देती हूँ। पहले ज़रा स्लीव्स देख लेते हैं। वैसे तो प्लेन आर्टिकल है, किसी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, लेसेस वगैरह कोई नहीं, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ ना। मैं ज़रा सही से देख लेती हूँ, प्रिंटिंग वगैरह देख लो, बस जस्ट प्रिंटिंग है इसमें और कुछ भी नहीं है, प्लेन आर्टिकल है। हल्की सी यानी हाँ, लेस की डिटेलिंग से आपको इनकी ना स्लिट ओपनिंग नेक लाइन पर आपको लेसेस मिल रही हैं। और इसके अलावा ये दुपट्टा देख लो या दुपट्टे का प्रिंट वगैरह चेक कर लो, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ज्वेलरी के स्टोर पे अभी फ़िलहाल जो भी आता है फटाफट ही एंड हो जाता है। काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है इस मामले में, तो करना ये है कि भाई जल्दी जल्दी जाना है, स्टोर पर जाना है। स्टोर मैं तो ये कह रही हूँ, ज्वेलरी के स्टोर पर बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, तो यार इनके स्टोर के सामने ही बंदा बैठा रहे, वहीं सहरी इफ्तार करता रहे कि कभी ना कभी तो न्यू आर्टिकल हमारे हत्ते लगेंगे। तो यही वाली आजकल वाकई में यही फीलिंग आ रही है, इतने लोग परेशान भी हो रहे हैं कि भाई आर्टिकल आप जो दिखाती हैं हम जाते हैं तो नज़र नहीं आते। यार वाकई में ये तो बड़ा मसला हो गया है, जिनको वाकई में बाय करने हैं वो लोग सच में उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मेरा काम तो जस्ट कवर करना है और परचेजिंग के हवाले से जो भी आ रहे होंगे उनकी परेशानी और उनकी परेशानी और उनकी शिकायत जी जायज़ है और बनती भी है। अच्छा जी, इस ईद पर अगर आपका कुछ दिल चाह रहा है कुछ परी वगैरह बनने का, तो उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है जी ज्वेलरी वालों ने। चलें ज़रा पहले इस लॉन्ग ट्यूनिक को देख लेते हैं सही से, फिर मैं ज़रा उस आपको ये बराबर में सब आपको दिख रही होगी ना वाइट कलर में खूब ज़बरदस्ती फ्रॉक, तो जी ये भी आपको इनके वेस्ट कलेक्शन में इन्होंने, अच्छा मुझे लगा था शुरू में कि ये शायद ही किड्स कलेक्शन की फ़्रॉक है, यहाँ पे किसी ने लगा दी है और मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसको कब से मुझे देख देख के ना, और अभी वीडियो के दौरान भी आ रही है। खैर अब लोग पहनते होंगे और ज्वेलरी ने कुछ सोच कर ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। सॉरी माजरत भाई, अब क्या कह सकती हूँ। 3,000 की रेंज में आपको ये फुल फ्रॉक मिल रही है जी वाइट कलर में, और ये बड़ों के लिए ही है, किड्स कलेक्शन नहीं है। तो अगर आप लोगों को लेनी है ना तो स्टोर विज़िट कर लो, आपको ये फ्रॉक मिल जाएगी। अच्छा जी, आज की वीडियो मैंने इनकी बॉयज़ की टी शर्ट्स वगैरह भी जितनी भी थी वो मैंने सब दिखा दी हैं, क्योंकि गर्ल्स किड्स कलेक्शन मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले इनके कुर्तीज़ वगैरह दिखाई दी, तो आज मैंने सोचा इनके बॉयज़ कलेक्शन भी दिखा देती हूँ आपको भाई, साथ साथ अच्छा शॉपिंग हो तो फिर पूरी हो जाएगी स्टोर से। इसके अलावा ये सिंगल शर्ट अभी आप देख रहे हैं मेहंदी ग्रीन कलर में आपको ये मिल रही है और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह मिल रही है। 1 पीस है जी, सिंगल शर्ट आपको ये मिल रही है 3,000 की रेंज में, सिंगल शर्ट लगी हुई है जी, टेक्सचर्ड फैब्रिक के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि ज्वेलरी के आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, तो मैं आज आप लोगों को ये बात बता दूँ कि भाई आज जब मैंने किसी दूसरे स्टोर का विज़िट किया ना, तो यहाँ पे तो मुझे फिर भी नज़र आ गए वो आर्टिकल, जो लक्की वन में मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि लक्की वन की जो है, लक्की वन मॉल की सेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल है, क्योंकि वो तो मुझे सेंटर ऑफ यूनिवर्स लगता है हमारा लक्की वन, जो कराची में वाक़ है। आधे से ज़्यादा जेंट्री लक्की वन का ही रुख कर रही होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं शॉपिंग हो तो यार आराम से ठंडे ठंडे माहौल में हो जाए, तो इसीलिए भी लोग रुख कर रहे होते हैं, और साथ साथ अफ्तारी भी बंदा वहीं कर ले, सारा काम एक ही जगह पर हो जाता है, तो इसीलिए क्राउड भी लक्की वन ज़्यादा पहुँचता है। लेकिन आज जो मैंने विज़िट किया है वो है जी हैदरी, सभी जानते होंगे जो जो कराची में रहता है, हैदरी शॉपिंग सेंटर, हैदरी की जो मेन मार्केट है उसके सामने आपको डॉलमेन शॉपिंग सेंटर भी सभी ने देखा हुआ होगा, ठीक है, उसके ही बराबर में आपको सना सफ़ी नास और उसके बराबर में फिर आपको ज्वेलरी के स्टोर्स मिलते हैं। राइट हैंड की तरफ जाएंगे ना तो आपको ये सारे स्टोर्स लाइन से मिल जाएंगे, तो ये उस स्टोर को मैंने आज कवर किया है। और यहाँ पे मुझे वो आर्टिकल देखने को मिले जो किसी स्टोर पर नहीं थे, किसी भी सूरत नहीं थे, जैसे कि ये आर्टिकल है लक्की वन में, तो मुझे इसकी वाकई में जो पहले दिन मैंने शक्ल देखी है ना इस आर्टिकल की, दूसरे दिन मुझे ये कतई नज़र नहीं आया।
इसके अलावा यहाँ पे ये जो वेस्ट कलेक्शन की शर्ट्स वगैरह बड़ी खूबसूरत सी आई हुई हैं, और ये बड़ों की शर्ट्स हैं। किड्स कलेक्शन भी अगर आप ले सकते हैं, कोई इतना खर्च नहीं है। अगर आपके बच्चे को फिट आ जाए तो आराम है यार, आराम से मिल जाएगी आपको ये शर्ट आ जाएगी। वरना मुझे दूर से लग रहा था शायद ये किड्स कलेक्शन की शर्ट्स हैं, और थोड़ी सी मैं भी रुक गई थी इनकी तरफ कि देखूँ तो सही, लेकिन ये जिस टाइप की फिटिंग वगैरह लूजिंग वगैरह है, तो ये अगर बच्चे हेल्दी हैं तो उनको तो नो डाउट लाजमी आ जाएगी। 1890 की रेंज में ही सभी कलेक्शंस लगी हुई हैं, और यहाँ पे ये भी शर्ट अच्छी लग रही है। अच्छा जी, इस वक्त इनके स्टोर पे ना एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। आप थोड़ा सा जब काउंटर की तरफ जाएंगे ना, इनके काउंटर पे ब्लिंक के लिए, तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इनके कलेक्शंस लगे हुए हैं, जिनमें साइजेस तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो हैं यही हैं। आप यानी कि लास्ट चांस टू बाय वाले आर्टिकल्स हैं इनमें, जिनमें मीडियम भी है, लार्ज भी हैं। तो जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ना मेरे पास कि यार ये कहीं नहीं मिल रहा, तो आपको यहाँ विज़िट कर लो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़रा जल्दी करना क्योंकि वीडियो जाती है तो सभी को जाती है, तो अब जो पहले पहुँच गया उसको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी ये बड़ी खूबसूरत सी वेस्ट कलेक्शन की शर्ट मुझे लगी, और बहुत मुझे प्यारी लगी, तो मैंने जल्दी से सोचा इसको सही से कवर करूँ। 1500 की रेंज में कलर भी बहुत प्यारा है और लग भी बड़ी खूबसूरत सी रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी ये सिंगल शर्ट्स लगी हुई हैं, ये सभी आपको 1600 की रेंज में मिलेगी। लेकिन वो स्काई ब्लू वाली ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली ना, यानी कि अगर गर्मियों में बीचेस वगैरह का प्रोग्राम बनता है, पिकनिक वगैरह, ईद के बाद तो लाजमी सभी का बनेगा, तो ये तो परफेक्ट थी उसके लिए शर्ट। इसके अलावा ये सभी शर्ट्स लगी हुई हैं और 1600 की रेंज में ये सभी रेंज से लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने शर्ट्स लगाई हैं सभी जैकार्ड कलेक्शन पे लगाई हुई हैं। अच्छा, ये वाली शर्ट की भी बहुत मेरे पास फरमाइश आई थी, लेकिन स्टोर पे तो नज़र नहीं आई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा मुझे तो स्टोर में। अब मैं यही देख रही हूँ, बिल्कुल ऑनलाइन स्टोर में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे स्टोर में तो है इनके, यहाँ पे तो सब मिल रहा है आपको, ही देख लो सब लगी हुई हैं, साइज़ वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये शर्ट है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, ये मैं दिखा देती हूँ, सभी ना इन्होंने एक साथ ही लगा दिए हैं, ये देख लें, मिक्स एंड मैच आर्टिकल्स लगे हुए, लेकिन जो भी हैं लगे हुए तो हैं, कम से कम स्टॉक है यहाँ पर। वरना अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, और सही सी बात है, लक्की वन जाओ तो जिस दिन पहले दिन ही आर्टिकल आते हैं उस दिन वाकई में भी दूसरे दिन कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मैं अभी अपडेट तो देती हूँ पूरी। लोग कहते हैं कि भाई जैसी न्यू कलेक्शन है फ़ौरन अपडेट दे दिया करें हमें। यार मैं दे तो रही हूँ वीडियो के ज़रिए अपडेट, फिर किस तरह दूंगी, अब वो आप खुद ही बताओ। मैं अपडेट तो करती हूँ, अब पीछे से किस वक्त क्या आ जाए कुछ पता भी नहीं चलते ना मामला। ये सब भाई बॉयज़ कलेक्शंस लगी हुई हैं, और अगर चाहें तो कलरिंग ऐसी है ना कि गर्ल्स भी आराम से वेयर कर सकती हैं। तो ये देख लीजिए भाई, ये शर्ट का मैं दूर से लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये इस स्टाइल में आएगी यार, बड़ी खूबसूरत स्टाइल में लगी हुई है। इसके अलावा ज़रा एक नज़र इनके बॉटम्स पर भी डाल लेते हैं, ज्वेलरी के बॉटम्स भी चेक कर लेते हैं कितने के मिल रहे हैं और डिज़ाइनिंग्स क्या दे रहे हैं ज्वेलरी पर। तो जी, 1500 के रेंज में आपको ये सारे बॉटम्स मिल रहे हैं। अच्छा, इनके पाइंचे वगैरह देख लीजिए, ठीक है, इस स्टाइल में आपको इनके ना ये सभी बॉटम्स मिल जाएंगे, हर कलर में मिल जाएंगे। पाइंचे से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा यहाँ भी सिल्क फैब्रिक स्टाइल में भी आपको ये बॉटम्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये अच्छे लग रहे हैं। चलो कि अगर कुछ अच्छे आर्टिकल के साथ बॉटम्स लगाने तो इसका फैब्रिक अच्छा लगा मुझे, सिल्क फैब्रिक वाले बॉटम्स भी मिल जाएंगे आपको। बाकी ये जी प्लेन लॉन वाले आर्टिकल्स हैं, सेंट्रल लेसेस के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सेक्शन में जहाँ पे ये सभी कलेक्शंस इन्होंने लगा दिए हैं जी, और ये सभी आर्टिकल के एक एक दो दो पीसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। और जल्दी मैं दिखा देती हूँ, ये भी लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा मसला दिख रहा है, फॉल्ट है जी इसमें थोड़ा सा, चलिए इसको स्किप करते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी इनके न्यू कलेक्शंस थे और जो कहीं नहीं मिल रहे वो स्टोर पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा जी, ज्वेलरी की जो एक और ब्रांच है वो है गुलशन KDA पर, जब आप वहाँ एंटर होंगे कराची में जो रहते हैं वो जानते होंगे गुलशन इकबाल का KDA मार्केट किधर है, तो वहाँ पे भी ज्वेलरी का स्टोर है, वहाँ पे भी आपको कलेक्शंस मिल जाएंगी अच्छी, क्योंकि वो सारे स्टोर अंदर की तरफ है, बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो ऐसे स्टोर पर ना आप कलेक्शंस वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा, ये भी देख लें, ये आर्टिकल आपको यहाँ मिल जाएगा जो कहीं भी किसी सूरत नहीं मिल रहा, ऑनलाइन पर तो नहीं मिल रहा, यहाँ मिल जाएगा। चलिए जी, ये तो हो गई ज्वेलरी की जो वीडियो थी, नई थी, सारी कलेक्शन को मैंने कवर कर लिया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।